खैरियत से आप लोग, रमजान मुबारक फिर से। आज है आज है जैनब के घर पे मेरी और अलीशा की दावत। हम आप लोग पूछेंगे उसामा और शहर कहाँ है, तो शहर है इस्लामाबाद में और उसामा है अपने घर पर रमजान मनाने के लिए गए। ये दोनों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कट करके लगा दूंगा, ठीक है। सो जैनब के यहाँ जा रहे हैं और टाइम काफी देर हो चुकी है हमें, देखें टाइम दिख रहा होगा, अफ्तार होने वाली होगी मेरे ख्याल आधे घंटे में। और अब तक मैं बोलेगी फिर से लेट आए। उसका फोन भी आया था, कहाँ है, मैंने बोला निकल रहा हूँ, निकल जा भाई कब आएगा तू। तो खैर चलते हैं और जैनब की अम्मी ने मजे मजे की जो चीजें बनाई हुई होंगी वो हम खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं और आपको जलाते हैं। सो गाइस मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। अरीशा अंदर गई है डोनट्स लेने जैनब के लिए। टाइम बहुत हो चुका है, 7:15 होने वाले हैं, रोजा खुलने वाला है। जैनब का किसी वक्त कॉल आएगी और किधर है कमीने, गुस्सा करेगी मुझ पर, थोड़ी सी गालियां देगी, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत आदत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा लेट होता हूँ, तो फॉल्ट तो मेरा ही है लेकिन मज़ा आता है, आदत हो गई है, बहुत अच्छा लगता है लेट होना, बड़ा मज़ा आता है लेट होने में। खैर अब अरीशा आती है तो हम निकलते हैं। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि हम ज़्यादा लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। जैनब की कॉल आ चुकी थी और अरीशा कुछ सामान लेने गई थी, डोनट्स वगैरह सब लेके आ गई है। अब हम जा रहे हैं भाग सारे भाई, यानी फ्लेवर्स लाए हैं ना, जैनब को अच्छे लगे। यार खुद तो नहीं खाओगी वहां बैठ के? यार ये न्यूटेला फिल जो है ना, दैट आई रियली लाइक, लग रहा है मुझे कि आपकी नियत है इस पे। तो बस चलते हैं अल्लाह का नाम लेके और पहुंचते हैं उसके घर। 4 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट बहुत है, ये घर अभी आ जाएगा मिनट में। अब भाई पार्किंग कर रहा हूँ मैं, हम पहुँच चुके हैं, जैनब का घर पीछे है, हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं और मेरे हाथों में लगी हुई चोटें, मुझसे गाड़ी पार्क भी नहीं हो रही वैसे, और मैं कर भी नहीं सकती, जैनब को बुला लो। जैनब को बुला, हो जाएगी बस। अब तो ये देखो कैसे चला रहा हूँ गाड़ी, तो ट्रक चला रहा हूँ है ना। जो कि मेरी फरमाइश थी, जैनब ने बहुत सारी चीजें बना के रखी हुई है। अब मुझे ये नहीं पता इसमें जैनब ने क्या बनाया, उसके वालिदा ने क्या बनाया, लेकिन मैं सब कुछ खाऊंगा, कबाब देखकर मैं रहूंगा, पानी आ गया, अजान का वक्त हो चुका है, होने वाली है अजाने, और मेरे चोटें लगी हुई है दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं फिर भी अपनी जान पे खेल कर आया हूँ। बहुत अचानक प्लान बनाया, हम लोग आ गए। बाकी तो जैनब शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कौन खिलाएगा तुम्हें अफ्तारी इतने शॉर्ट नोटिस पे। अरीशा बस कर दो, कितना खराब है। कैसा लगा हमसे? बहुत मजे मजे की चीजें बनाई हैं और जैनब लोग कीमे वाले समोसे नहीं खाते, लेकिन उन्होंने स्पेशली मेरे लिए नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं खाते ही नहीं है, इतना भी तुम स्पेशल ना बनो। ये लोग बहुत मजे के बनाए, एक एक चीज मजे की है, आपकी अम्मी ने बहुत मजे के बनाया और अरीशा थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की और बनाया, अजर देगा इंशाल्लाह। जनाब वो कैसे लगा आपके घर पे, मैं खुद चल के आया, बस अचानक हमारा प्रोग्राम बना और तब से टोपियां दे रही थी, और इतिहास में पहली बार हुआ इसने दावत दी है मुझे, तो मैं आ गया हूं। यार मैंने कहा भाई आ जाओ, क्या करें, मतलब भाई आ जाओ, मतलब ये नहीं आ मतलब, जाइए नहीं, मैंने इसको सुबह बताया, इसने मुझे फोन किया, मैंने सुबह बताया कि ये बन रहा है, तो मुझे इसकी बातों से ऐसा लगा कि शाम में अगर हम खाने बैठेंगे हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। क्योंकि मैंने आज नहीं बनाया था इफ्तार में, मैंने आज कोफ्ते बनाए थे, खाना डायरेक्ट देखा, मैंने आज सोचा था कि मैं बस खाना खिलाऊंगी, कोफ्ते देखा, मलाई कोफ्ते, इंस्टिंक्ट आई थी मुझे, तो इसलिए हम जब हुआ अरे यार मुझे तो आज फ्राइड कुछ मिलेगा नहीं, ना छोले और कुछ, और हमजा तो डाइटिंग कर रहा है, फ्राइड तो जरूरी है। हाँ ये देखो डाइटिंग पे, ये देखो जैनब से जारी से जैनब से बनवाए, बनवाए अभी कबाब खाऊंगा, जैनब की अम्मी ने बनाया, अम्मी ने बनाया, मैं रिव्यूज देता हूँ गाइस आपको, चलो ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग वो जो एड्स में नहीं करते, बहुत अच्छा बनाया आपने, थैंक यू, वाकई में अच्छे, बहुत अच्छे वादा, बहुत अच्छे, वापस करना हो जो किया था अभी,
अच्छा क्या बोल रहे थे? सामरी की सामरी की कुछ बातें बता रही, बताइएगा कैसा था? सबकी बताओ बारी बारी, कौन कैसा था? अभी आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है ना अभी? तो अभी बात ये थी कि शहर तो जो है वो मैं शहर से ऑफिस में मिली थी, आई थिंक प्रोडक्शन में मिली थी पहली दफा, और शहर के कलर्ड बाल होते थे और निमरा ही मेरे साथ थी, लाल लाल बाल मेरे साथ थी। शहर के कलर्ड बाल कब थे? बाल मतलब थोड़ा सा रेडिश टोन के उसने उसके ऊपर करवाया हुआ था। तो शहर में बैठी थी चुपचाप ना, और शहर जो ना शहर इतनी बेचैन, कभी यहाँ जा रही कभी वहाँ जा रही कभी बाहर जा रही। हाँ मुझे बोल रही, फिर आप उजाला वाला कैरेक्टर प्ले कर रही है ना, मैंने कहा जी। और फिर हम लोग की दोस्ती हो गई क्योंकि हम दोनों ही होते थे। आपसे तू पे आ गई, हम लोग तू पे आ गए, हम लोग बहुत अच्छे थे। हम लोग सुबह साथ पे होते थे, वो तो मुझे याद है। और फिर सब साथ साथ जाते थे। अच्छा हमजा ना, हमजा फिर आखिर में आऊंगा। उसामा तो हमारे घर का पार्ट था ही नहीं ना, हमारे घर में उसके उसामा देखो निकाल के फेंक दिया बाहर। नहीं हमारे घर में सीन्स थे ही नहीं उसके, और हमने सब मेकअप आर्टिस्ट जितने भी थे सब लोग उनसे ये सुना था कि हाँ वो जो सिद्धार्थ मिलता है ये मैं सुना, उसका कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है ना वो ना किससे बात ही नहीं करता, वो उस तरह का उस तरह का। सहरा में ना प्लान्स बनाते कि जब ये आएगा ना तो ऐसे करेगा। और हमजा का ये था कि हमजा आया फर्स्ट डे सेट पे, तारीफ होगी सुनिएगा। हमजा बैठा हुआ और शहर और हमजा की पता नहीं कैसे ना आपस में कुछ बातचीत हो गई तब तब तक मैं थी, अच्छा। हाँ हो गई थी मतलब कुछ बन गया था, क्योंकि इसके हम इसके और शहर के सीन्स पहले थे, हम लोगों के इतने सीन्स नहीं थे। तो अभी बैठा हुआ तो अच्छा मुझे ना ये लगता था कि ये शायद ना बहुत पुराना कोई एक्टर है और ये काम कर रहा है काफी अर्से से, शक्ल पे वो वाला एटीट्यूड होता था ना वाला कि आई एम द बेस्ट हियर एंड आई नो एवरीथिंग एंड यू आर यू गाइस आर लाइक अब बैठा होता था और ना यूं देखता मैं समझ गई खामोशी से बस सबको ऑब्जर्व करना करता था। तो मुझे इतना इरिटेटिंग लगता था, मैंने कहा पता नहीं और हमजा से मेरी हटने लग गई थी, और सिर्फ शहर में और जैन हम लोग जो है वो हम लोग का सही ग्रुप था सब। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खामोश से बैठा हूँ तो क्यों बैठा होता था। फिर ना मैंने उसको जो है ना सीन्स के अंदर टॉर्चर करना स्टार्ट किया। हाँ इसने मुझे शायद बताया भी था कुछ, तुम लोगों की कोई लड़ाई वड़ाई भी बहस होती थी, मतलब बहस टाइप कुछ होती थी तुम लोगों। फिर हम लोगों का ऐसा हुआ कि सीन्स में ना ये लाइन भूलता था ना, मैं कामरान सर को यूं देखती थी। अच्छा ऐसा भी होता कामरान सर के और वो रात याद है जो हम रोड पे बाइक चला रहे थे और उसमें तो बहुत बुरा सीन हुआ था। तो एक रात हम लोग पार्क टावर्स की बिल्कुल पार्क टावर्स ना के सामने वाली जो रोड है वहां पर कुछ आउटडोर सीन्स कर रहे थे, और रात के सामा भी था उधर और हम दोनों भी गए। हाँ रात के 11 और 12 बज रहे थे, और सीन ये था कि इसने मुझे बाइक पे बिठा कर लेकर जाना। बाइक में चलाने आती नहीं, अब इसको बाइक चलानी नहीं आती, बिठा कर जो के नतीजा देख सकते हैं उस रोड पर। तो बाइक सही चल गई, मुश्किल से मैं यूं गर्दी में जा रही हूँ और लाइन ही बोलनी हूँ सामा के साथ, वो बड़ा सीन हुआ बड़ा मुश्किल। और फिर ना रात के 11 बज रहे थे और ये लोग लाइंस कुछ ठीक से नहीं बोल पा रहे। मेरी लाइन नहीं थी, उसामा की थी, वो ये गाय थी, मैं सच बता रहा हूँ। बड़ी सिर्फ बाइक पे बिठा के लेके जाना था, यही था। तू बाइक में भी सही से बिठा कर ऐसे लेके जा रहा बाइक पे, यूं कर नहीं आती चलाने, पता लग रहा पीछे से कि बाइक ही चलानी आती। तू ये बोल रही है गिराएगा तो नहीं, गिराएगा तो नहीं। अबे पहली दफा उस पर बात हुई थी हमारी, बात हुई थी सही है, करनी थी जाहिर है बेचारी को। हमारे डायरेक्टर आए ना, ओए उन्होंने हमजा को और उसामा को इतना डांटा क्योंकि सब लोग रात के बहुत टाइम हो गया था, उसामा को ज्यादा डांट रहा था, डांटा और मैं भी साथ में खड़ी हुई थी तो मुझे भी डांट पड़ी, और हम तीनों को फिर डांट पड़ी बहुत अच्छी वाली। और फिर हम लोग ऑफिस में गए, हम लोग यूं बैठे हुए बिल्कुल ऐसे कोई मर गया हो हमारे, क्योंकि पहली बार डायरेक्टर से डांट पड़ी। एक चीज मुझे याद है, मैं कामरान सर ने आकर प्यार किया सबको, ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे तो मैं क्योंकि मेरे तो हो गए डांट तो पड़ गई थी, मैंने फ्रेशअप खाई, देखो फ्रेशअप बची थी, उसामा खड़ा था मैंने खाएगा, उसने फ्रेशअप देखी मुझे देखा चला गया। क्या बेइज्जती है, उसके दिमाग में डांट पड़ी, बुरा सीन हुआ। तो उसमें खोया होता, उसका हमारी दोस्ती भी नहीं थी उसामा मेरी भी,
मैं तो चिल्ला, मैंने खाई, मैंने खाया, मैंने खाई तो उसकी उसका तुमने दूसरी भी खा ली, जेब में रख लिया अगले दिन खा लूंगा। और फिर उसने हां बोल रहा, और मैंने इन लोगों को बोला कि तुम दोनों की वजह से मुझे भी डांट पड़ी है। हाँ। तो उसामा ने कहा जी नहीं, डांट एक्चुअली तुम्हें ही पड़ रही थी और हम लोगों को पड़ी है। हाँ, ये बोला था तुमने। आई वॉज द बेस्ट अमंग दीज वैसे उस वक्त, लेकिन जो चीज फेस की वो ये था कि लाइन याद करना सबसे ज्यादा, जो कि आज तक भी थोड़ा हमजा के लिए डिफिकल्ट है कि जब ये स्क्रिप्ट जब ये रात में स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है ना, तो मैं साथ में इसकी वो प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ, दूसरी लाइंस मैं बोल रही होती हूँ, फिर हमजा ये हो रहा होता है। ये मेन जो चीज है ना वो ये थी सबसे ज्यादा। आपकी क्या थी? मुझे डर बहुत लग रहा था, मारता थोड़ी हूँ मैं। मेरे पहले प्रोजेक्ट में, पहला प्रोजेक्ट आपके साथ, पहला कौन सा था जाना? ओहो, पहला कौन सा था? मां सत्य। उसमें क्या चीज थी जो जो आपको बुरी लग रही थी, उसमें डर लग रहा था? कैमरा फेस करना ना, क्योंकि पता ही नहीं था ना। और पहला सीन मुझे कौन सा दिया, जिंदगी का पहला सीन, मुझे कुछ नहीं पता सेट पर क्या होता है। मैं वो लड़की जो पहले दिन अपने कपड़े भी खुद प्रेस करके लेके गई थी। अच्छा। मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो पहला सीन मुझे पढ़वा दिया फोन टॉक। अब मुझे बिल्कुल समझ ही ना आया कि फोन टॉक होती कैसे या फिर क्यूज देते हैं आगे। और डायरेक्टर बोले क्यू, मैंने कहा हमने तो एक्शन सुना है, क्यू का मतलब क्या होता है मुझे क्या पता। खैर फिर वो, लेकिन मुझे जो लोग मिले वो अच्छे लोग मिले, तो फिर मैंने कर दिया जो भी था वो कर दिया। तुम नहीं, तुमसे पहले वही बोला, उसी पे आता हूं मैं। नहीं करते, पता है कुछ लोग नहीं करते उस तरीके से। कुछ लोगों को लगता है कि, उन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ। मैंने उनको बताया फिर एसोसिएट को कि मुझे नहीं आता, क्योंकि जो भी आता है ना वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई हिंट लेकर, या खानदान में कोई होता है इस तरीके से। अच्छा, सामग्री के सामरी से पहले मैंने मुकाबिल किया था। मुकाबिल था ना इसका, मुकाबिल मतलब मैंने देखा है ना पूरा मुकाबिल। कुबरा खान का भाई, भाई जो था, भाई जो था क्लीन शेव, जो छोटू सा गोलू सा भाई था ना। हां, कुबरा था, क्यूट सा आर्टिस्ट था, क्यूट सा भाई जो था ना वो था मैं। बहुत अच्छा था। अच्छा, तो मुझे जो सामरी में हुआ ना वो था एक मतलब कैरेक्टर ऐसा था कि गुंडा गुंडा इस तरीके का, तो उसमें मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी काफी। अब जब मैं गया शुरू के आपने सीन देखेंगे, उसमें मेरी दाढ़ी बड़ी हुई, उसके बाद दाढ़ी कटवा दी। ये चेन पहनी हुई ना, हमने रखा था कि बाप को देख के यूं कर लेता चेन। हाँ, ये रखा था। और फिर हम फिर ना फिर हमारे ग्रुप से गायब हो गया था। वो कब हुआ? और शहर भी इतना हमारे हम लोग, अच्छा सावरी के बिल्कुल बाद हम लोग इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। जोड़ के रखता था वो ये थी, हमेशा बुलाती थी, नहीं कबाब का यही थी, यही बुलाती बुलाती थी। Five seconds later. ये ज़ैनब का टॉम यार, ये उसका कलर टॉम जैसा ही है। मुझे मत मारना टॉम, ज़ैनब के पास बहुत सारी कैट्स हैं। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा ये क्या हुआ? वो तुमसे डर रहा है। मुझसे क्यों जानी? आराम से बोलना। मुझसे क्यों जानी? जानी टॉम, मुझे कुछ नहीं करना। जब भी हाथ में करो प्यार कर, तुम दोस्त हो तो थोड़ा सा प्यार वाला जेस्चर दोस्त को। मैं कबूतर पाल तो आपको दूंगा। अब हो तो बैठ तो मैं अभी हाथ में नहीं लो, इसके ना नेल्स चुभ भी जाएंगे आपको ना। अच्छा कटे में जख्म पे थोड़ा सा, अगर नहीं मारता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको जो कर लोगे आपको मारेगा बिल्कुल भी नहीं, मतलब हाथ भी करेगा तो यूं करके मारता। क्या नाम है इसका? टॉम। हमजा अभी तो बोल रहे हैं टॉम कब से। अंकल के पास बैठ। अंकल टॉम। अच्छा भाई, हमजा हमें बताने लगा है कि
अफतारी इसके घर के इसी घर की तरफ कहाँ अच्छी होती है, कुछ भी नहीं पता, बस फजूल के वो दे रहा है मशवरे यार। कैमरा गंदा नहीं, तुम काले हो। ये क्या आ रहा है? यूं 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 क्या लाइट आ रही है ना हमजा? यूं 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 अच्छा लो। हाँ अब ठीक है। हाँ तो अच्छा है, बॉम्बे कढ़ाई है हाईवे पर, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा आप जा सकती हैं मंदी पे, मंदी हाउस पे, वहाँ आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत अच्छा पड़ेगा। वो बहुत एक्सपेंसिव है वैसे। कितने का है रिशा? चार लोगों का 12,000 बिल बना था। अच्छा फिर सही है, चार लोगों का। इसमें तो हाँ बोलना ना, एक्शन तो मारना है। हाँ फिर तो सस्ता है। अच्छा लेकिन क्वांटिटी बहुत है। Okay. अच्छा आपका दोस्त का जो है वो आप चलेगा ना? हाँ वो मैं उससे बात कर लूँगा, मैं बात एक दिन तुम पहले बता दी, फोन मार दूंगा। अच्छा वहाँ पे सीन ये, इनको पता नहीं था जब आप मंदी खाते हैं तो आपको पता नहीं, पता नहीं पहले वो सूप देंगे यखनी। हाँ, तो आगे सुन, पहले आगे सुन, उसके बाद जब हम जो उससे भूख बढ़ती है यखनी को चावल में आगे खाते, ये अलग लगी है। अच्छा लगता है, थोड़ा सॉगी सॉगी। तो आगे सुनो, थाल आई मंदी की, आपने फिनिश कर ली, तो आपको पता है कि आपको और चावल फ्री में मिलते हैं। हाँ ये पता है, ये मुझे नहीं पता। ये क्या पापा हमजा? यार मैं समझा, और कोई नहीं जाता। नहीं नहीं यार ये अरीशा ने बोला, हमें नहीं पता था। नहीं होता है कि मिलता है दारी को भी, जितने भी मंदी के रेस्टोरेंट में सब पे मिलता है रिफिल चावल का। फिर पार्सल करोगे फिर उसमें भी रिफिल कर देते हैं वो। हां उसमें भी कर देते हैं, अरीशा को नहीं पता था। कितना गंदा एंगल तूने बनाया वैसे। टिन 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 यूं करना। सॉरी अरे मेरे बाल बड़े गंदे लग रहे हैं। बाल क्या खाते हैं नरम? कुनाफा। कुनाफा कुनाफा खाया? पसंद है आंटी आपको? यार मैंने ना टर्की में खाया था। कैसा था वहां का अंत? लेकिन उनका ना थोड़ा वो उस तरह का नहीं होता जैसे यहाँ पे, बिल्कुल केक जैसा होता है ना, पर थोड़ा बिखरा बिखरा सा होता है। बिखरा बिखरा होता है और उनका इतना स्वीट नहीं होता। स्वीट नहीं, हमारे यहाँ स्वीट करते हैं वो। ये लोग बहुत ज्यादा चाशनी जो होती है वो डाल देते हैं उसमें, नहीं होती। मैंने सऊदीया में खाया था, वहाँ का स्वीट नहीं होता, यहाँ आप चीनी डालते। तुम्हारे स्वीट मैं बनाऊंगा। कुनाफा और टर्की में ना वो भी अच्छा होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। बकलावा। अरे जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना। ये वाली मीम लगाओ। अच्छा यहां पे जो एक बकलावा हाउस है, क्या है वहां बकलावा? ये कहां पर है बकलावा? लाहौर में नहीं, यहां पर भी है, यहां पे डिफेंस में। अरे वो खाने चलेंगे ना, मुझे उसका होता है गोश्त वहां पर इस्लामाबाद में, जैसे वो होता है यार वो, गोश्त किसका गोश्त? जल्दी बोल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। किसका? दुम्बेगा नहीं, तीतर। नहीं नहीं वो जो पहाड़ी के ऊपर मिलता है उधर इस्लामाबाद वगैरह में। नहीं हिरन का नहीं, मैं नाम क्यों भूल गया। पहाड़ी वगैरह भी नहीं, याक। हाँ शायद किसका था, नहीं याक क्या होता है? सॉरी गाइस, जानवर। याक क्या होता समझो, जानवर जो होता है ऐसा जो। नहीं मैं समझ गया, मुझे पता है रमजान नहीं, उसमें उसपे चैनल पे देखते हम, उसपे ज्योग्राफी चैनल पे आता था बकरा ईद। वो अलग होता है वो, सही है बस छोड़ दो। नहीं याद आ रहा। हाँ कहाँ पे मिलता है ना इस्लामाबाद पे? किसने बोला? आंटी ने बोला। इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, उर्दू में भी बोल रहे हैं। नहीं है मुझे, नहीं नहीं याद आ रहा। तीतर बटेर? नहीं नहीं वो था है घोड़े की तरह जो होता है। हमजा खो गया है, हमजा कह रहा गधा। गधा हो लग रहा है, खाते का खा रहा है। अल्लाह नहीं गाइस मुझे याद नहीं आ रहा, कैसे याद आएगा? नहीं हिरन नहीं, ये पोनी नहीं होता छोटा जो घोड़ा होता है उस टाइप का कुछ था। यूनिकॉर्न? क्या बोलना क्या चाहते हो? पोनी होता है, पोनी जो वो जो घोड़ा छोटा होता है उस टाइप का कुछ था, उसका गोश्त होता है वहाँ पे। घोड़े के बच्चे का गोश्त? घोड़े के बच्चे का नहीं है, गधी। नहीं गधी नहीं, छोटा जो घोड़ा होता है पोनी समझ गए। आप लोग बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद में होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं। सो गाइस ये देखें आप, ज़ैनब अपने डॉग, क्या नाम है इसका? टॉम। टॉम टॉमस के साथ खेल रही है और ये मुझसे बहुत डर रहा है। इधर देखो, इधर देखो, बड़ा उर्दू समझ में आती होगी। उधर देखो, उधर म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इधर देखो, हिंदी बोलो। म्याऊं म्याऊं
मैं इसके करीब जाता हूँ, देखता हूँ डरता है नहीं डरता, देखते हैं अभी। देखें गाइस क्या हाल है दोस्त। ये लो दोस्त को, लो इधर, इधर देखो मुझे देखो, डर लग रहा है इधर देखो। सॉरी यार, ये रस्म हो रही है, अम्मी मेरी करवा रही है, गुड़ खिला रहे हैं, गुड़। कैसा लगा लड़का आपको अरीशा? मुझे तो पहले से अच्छी लगती है। अच्छा, अब मीठा करें। हाय अल्लाह, अल्लाह बाबा, गुड़ अच्छा है, गुड़ अच्छा है। लड़की अच्छी नहीं हमारी, गुड़ अच्छा है। लड़की तो लाखों में है, लड़का भी लाखों में है। सो गाइज, आज का व्लॉग हम लोग खत्म करने वाले हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम बहुत मजे मजे के हमने खाने खाए, अब खाना खा के अब घर याद आ रहा है, नींद भी आ रही है। इनके बिल्लों की वजह से मुझे थोड़ी सी एलर्जी भी हुई मेरी बिल्लियों को, अगर तुमने कुछ बोला। नहीं नहीं सॉरी, टॉम की वजह से हुआ है। टॉम कौन है? टॉम मेरा बिल्ला है, इनका बिल्ला है, जो कुछ भी नहीं किया इसको पहले से, कुछ एलर्जी एलर्जी। अब जा जा, झूठ नहीं बोला ऋषा, बताया आप सच बोलती हैं। टॉम ने कुछ नहीं किया, बहुत शुक्रिया आपका, टॉम बेकसूर है। ऋषा आप बहुत शुक्रिया, ये सब चाट मसाले की वजह से। चाट मसाले नजर क्यों हुआ? चाट मसाले नजर क्यों हुआ? हर वक्त रोज नाक में। अबे तो अभी क्यों होगा, कल गया था मेरे तो। और हमजा आपसे मिलेगा अब ईद के ब्लॉग में। और गाइस शूट करवा रहे, मैं अरीशा के इधर जाऊंगा, तो मैंने जैनब को भी ऑफर किया कि आप भी शूट करवाए ईद की, तो अगर हम लोग तब भी मिले तो तब भी आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे हमें एक बार फिर से साथ। ओ तो गाइस ऐसे ही देखते रहिएगा, और हमजा शेख लाइव को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, कॉमेंट भी अरीशा की बात माने। और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।